इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु, प्यारे भक्तगण एवं सभी श्रोतागण, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं एवं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तगणों एवं सभी दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं अति रोचक, ज्ञानवर्धक एवं मोक्षदायिनी है, जो बड़े बड़े दुर्लभ लोगों को भी इस कथा की अनुभूति नहीं होती है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। और मैं पूरे प्रमाण के साथ सुनाता हूं। किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्यारे भक्त गणों, जैसा कि मैं एक किताब है जिसका नाम है आनंद रामायण, इस किताब से रामानंद सागर जी जो महान और अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने ऐसी खोज की थी जो रामायण जैसे सीरियल को बना दिया था, उन्होंने भी इस किताब से काफी कुछ लिया था। और नीचे दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि रामानंद सागर जी ने आनंद रामायण किताब से बहुत कुछ कथाओं को लिया है, जो आप कभी रामायण सीरियल में शुरुआत होते वक्त पढ़ लेना। प्यारे भक्तों, उसी किताब से आज की कथा है, और इस कथा में लिखा हुआ है कि त्रिजटा किसकी पुत्री थी और उसको भगवान श्री राम ने क्या क्या वरदान दिए थे, उसके संबंध में आज हम आपको सारी कथा सुनाएंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को, ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी दिख रही है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं कथा सुनाऊं तो उस कथा को सबसे पहले आपको उसको सुनने की सारी व्यवस्थाएं मिल जाए। आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि मैंने नया वीडियो डाला है। प्यारे भक्तगणों, अब आपका समय नहीं लेंगे और चलते हैं कथा की तरफ। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण को मारकर और माता सीता का परीक्षा लेने के बाद सभी लोग पुष्पक विमान यानी उस पर बैठ गए थे, जो रावण का विमान था, उसी पर त्रिजटा भी बैठी हुई थी। रामायण में तो ऐसा नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस किताब में लिखा मिलता है। त्रिजटा जो स्वयं विभीषण की पुत्री थी और उसकी माता का नाम था शर्मा, और वह त्रिजटा जब बैठ जाती है तो सीता जी की तरफ इशारा करते हुए सीता जी स्वयं कहती हैं कि ये त्रिजटा है, तो भगवान श्री राम उसका परिचय लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विभीषण ने यह प्रश्न किया, पूछा कि हे प्रभु, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कृपया मुझे उसका उत्तर दें। तब भगवान श्री राम ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। तब विभीषण जी कहते हैं, जब आप पाताल में अहिरावण के यहाँ गए थे तब हे प्रभु आप मौन क्यों हो गए थे, उसी क्षण आपने उन दुष्टों को मार क्यों नहीं डाला। यह प्रश्न सुनकर कुछ मुस्कुराकर बोले, पूर्व में एक बार ब्रह्मा ने उन सभी दुष्टों को वध हनुमान द्वारा होने को कहा था, इसी कारण मैं मौन रहा। उस कार्य को मारुति के लिए ही रख छोड़ा था, और इसीलिए मैं वहां मारुति की प्रतीक्षा किया था। दूसरी बात यह थी कि संसार में जो लोग मारुति के बल को भी नहीं जान सकते थे वो भी जान जाएं, या कि मारुति ने पाताल में राक्षस के हाथ से श्री राम को छुड़ाया था, वही यह राम का सेवक हनुमान है। इस प्रकार से जगत में बलवान ऐसे मेरे दास हनुमान के पुरुषार्थ वृद्धि की प्रसिद्धि होवे, बस इसीलिए मैं वहां विरत हो गया था, अन्यथा उन्हें मार्ग में ही हुंकार मात्र से ही नष्ट कर डालता, जब मैंने सीक से कौवे का नेत्र फोड़ दिया था, जिस बाण से मारीच को 100 योजन की दूरी पर मैंने समुद्र में फेंक दिया था, वही क्या मैं आज कुंठित शक्ति वाला हो गया था, कदापि नहीं। मैंने तो पाताल में उनको मारने के लिए किसी शस्त्र का मार्ग नहीं देखा था। हे विभीषण, तुम सत्य मानो, मैं उस समय केवल हनुमान के बल की ख्याति करने के लिए ही मौन हो गया था।
तब राम का यह कथन सुनकर हंसते हुए मारुति ने विभीषण से कहा, क्या तुम उस बात को भूल गए जब सेतु बंधन के समय राम ने मुझे किंचित गर्भयुक्त देखकर लिंग उखाड़ने के बहाने मेरी पूंछ को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, हे विभीषण, तुम उस दिन को भूल गए जब भगवान श्री राम ने मुझे काशी जाकर शिवलिंग लाने को कहा था। मैं शिवलिंग, दो शिवलिंग लेकर चला आया था तो भगवान श्री राम ने यहां पर अपना पहले से ही एक शिवलिंग बना दिया था जो बालू का था, और बाद में दो शिवलिंग और ले आया मैं तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस शिवलिंग को इसी धरती पर रख दो और इसकी भी पूजा होगी, समय आने पर मैं फिर से इस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित करूंगा। और हनुमान जी ने उस शिवलिंग को रख दिया और शिवलिंग वहीं पर जम गया। जम जाने के कारण हनुमान जी को इतना अभिमान आ गया था कि शिवलिंग को पूंछ से उठाकर फेंक सकते थे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तुम अपनी पूंछ से इस शिवलिंग को उखाड़ कर अलग रख दो। मैं उस शिवलिंग को उठाने लगा तो मेरी पूंछ उसी में टूट गई थी, जो प्रभु श्री राम की कृपा से मेरी पूंछ फिर से जुड़ गई थी। और ऐसे प्रभु श्री राम के बारे में अब मैं क्या कहूं। ऐसा कहते हुए हनुमान जी भगवान श्री राम के बारे में अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। और श्री भगवान जी ने कहा कि मैंने पाताल में उनको मारने के लिए किसी शस्त्र मार्ग को नहीं देखा था। ये सही बात थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सेतुबंधन के समय मेरी पूंछ को तोड़वा दिया था, उस श्री राम के बारे में आप नहीं जान पाए। बहुत महान है, उन्हीं की कृपा से शिवलिंग धरती पर स्थापित हो गया था। उन्होंने कहा, मेरा ऐसा बल भगवान श्री राम के समक्ष में किस गणना में है। हे विभीषण, राम ने केवल अपने दास की कीर्ति वर्धन के लिए ही ऐसा वैसा किया था। तब मारुति की इस बात को सुनकर विभीषण ने परम भक्ति से प्रणाम किया और उनकी सप्रेम पूजा की। इसके पश्चात राम ने विमान पर बैठी सीता के कथनानुसार उनके वाक्य का आदर कर एवं प्रसन्न हो त्रिजटा को वरदान दिया। पहले उसे वस्त्रालंकार से संतुष्ट किया और कहा, हे त्रिजटे, तुम मेरी मंगलदायक वाणी सुनो। कार्तिक, बैसाख, माघ और चैत में चार महीनों में प्रथम के दिन तीन दिन श्रेष्ठ मनुष्य तुझे प्रसन्न करने के लिए जब स्नान करेंगे तो इससे तू कृतार्थ हो जाएगी। जो मनुष्य इन तीन महीनों में पूर्णिमा में, पूर्णिमा के पश्चात प्रतिपदा से लेकर तीन दिन स्नान करेंगे, उनका सब महीने का किया हुआ पुण्य तुम मेरे इस कथन से हर लेना। मैं तुझे और भी वर देता हूं, सुनो। अपवित्र गृह में सविध किए हुए श्राद्ध तथा हवन आदि भी यदि क्रोध से भी किए गए हो तो वे सब तुम्हारे होंगे। यह भी सुनो कि बिना तेल लगाए पांव का धोना, बिना तिल के तर्पण करना, ये भी तुम्हारे होंगे। हे तिल जटे, दक्षिणा रहित सभी श्राद्ध तुझे प्राप्त होंगे। इस प्रकार बहुत सा वरदान देकर भगवान श्री राम ने त्रिजटा, शर्मा, विभीषण, सुग्रीव, मकरध्वज तथा सब वानरों सहित आकाश मार्ग से सीता को युद्ध का सब कौतुक दिखाते हुए प्रस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे सीते, इस लंका नगरी सहित अब इस रणभूमि को देखो। इस खारे समुद्र में बांधा हुआ शिलाओं का पुल देखो। यह समक्ष ही सेतुबंधु नाम का प्रसिद्ध तीर्थ दिखाई दे रहा है, देखो। इतना कहकर रामचंद्र जी राजसेन विभीषण के कथनानुसार विमान से नीचे उतरे और धनुष बाण धारण कर उसकी नोक से पुल को उड़ा दिया, बीच से पुल को तोड़ दिया और उस स्थान में धनुषकोटी नाम का एक तीर्थ स्थापित हो गया। उसमें स्नान करने से मोक्ष लाभ होता है। वहां कोदंड पाणी नामक राम की मूर्ति भी हो गई। इतने में ही वहां संपाति आ गया, वह पुष्पक विमान पर चढ़ गया। श्री राम ने सीता सहित रामेश्वर की पूजा किया, फिर विमान पर बैठे और सीता को सब दृश्य दिखाने लगे। और प्यारे भक्तों,
इस तरह से वो अयोध्या आ गए। और यही थी कथा जो मैंने आपको त्रिजटा के बारे में सुनाया। त्रिजटा विभीषण की पुत्री और उसकी माता का नाम शर्मा, जो शर्मा विभीषण की पत्नी थी, ये अस्पष्ट होता है। रावण ने माता सीता को किसी राक्षसियों के बीच में नहीं रखा था। राक्षसियां तो थी ही, लेकिन उसने अपनी पुत्री समझकर त्रिजटा को सीता के पास सौंप दिया था, क्योंकि रावण एक विद्वान और वीर और योद्धा पंडित था। उसने अपने समय में अनेक राजाओं को, उनको अपने नोक के बल पर हजारों राजाओं को हरा दिया था। प्यारे भक्तों, वो जानता था कि मेरी मृत्यु स्वयं नारायण के हाथों से होगी, तो क्यों नहीं मैं अपने परिवार को भी नारायण के हाथों से मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करवा दूं। इसीलिए उसने भगवान श्री राम को इतनी यातनाएं दी, बल्कि सीता माता को उसने हाथ तक नहीं लगाया था। कंभ रामायण के अनुसार रावण ने सीता को वहां के एक कोस जमीन तक हाथों से उखाड़ कर जमीन सहित पुष्पक विमान पर रख लिया था। ऐसी कथाएं मिलती हैं। और रावण सीता को अपनी पुत्री की तरह मानता था, लेकिन प्रभु श्री राम को वो अपनी धरती पर लाना चाहता था और उन्हीं के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त होना चाहता था रावण, इसीलिए उसने इतनी यातनाएं दी थी। प्यारे भक्तगणों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि त्रिजटा के बारे में जो मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला था वो सरासर सत्य है। इसकी कथा की किताब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे भक्तगण, इस कथा को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और बहुत मुझे खोज करनी पड़ी है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं आपसे मांगता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को और भी नए नए कथा को सुना सकूँ। प्यारे भक्तगण, लाइक इसलिए मांगता हूँ कि जिससे आपको इस कथा का अच्छा लगा ये आप बता सकें, और कथा अच्छा लगा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर से नए सिरे से और भी मेहनत करके नई कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्यारे भक्तगण, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। अब हम लेते हैं विदा, फिर नए कथा के साथ आपके समक्ष में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।